नाम तनवीर आलम है, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को। इस वक्त हम मौजूद हैं पाटलिपुत्र में और पीछे आप देखिए पाटलिपुत्र थाना है जो जलमग्न हो चुका है और जो लोग हैं वो इसी पानी में जो है अपना जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो समस्या है वो किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। थाना का जो गाड़ी है वो भी आप देख सकते हैं कि जल में जो है वो समा चुका है। अब आपको ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो हम आपको दिखाते हैं कि घुटने तक जो पानी है उसके बीच ही लोग जो है अपना काम जो है वो कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो पूजा करने के लिए भी मंदिर की तरफ जा रही हैं। आप इधर का रास्ता देखेंगे, ये मेन रोड है जो सीधा पाटलिपुत्र गोलंबर की तरफ जाता है और ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो जल में विलीन है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, घुटने तक जो है वो पानी है और निकासी की बात करें तो निकासी जो है नहीं हो रही है और लगातार हर तरफ से यही समस्याएं आ रही हैं कि पटना में जो है निकासी की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। जो स्थानीय है यहाँ के उनसे जानते हैं कितनी परेशानी है। बहुत 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 परेशानी हो रहा है, अभी सब्जी उब्जी कुछ मिल नहीं रहा, बहुत टेंशन है। इसमें सोचना पड़ रहा है क्या निकलने के लिए? निकलने के लिए सोचना पड़ा, देखिएगा पैंट उंट सब काट के चल। बताइए, इस मोहल्ला जो है हमारी सरकार जो है हम पब्लिक को जो है लूटता है, समझ गए हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि गैस सिलेंडर ले लीजिए फ्री में, अथी करता है वोट मिल जाता है और क्या करता है कि सब उठवा लेता है, वोट मिलने के बाद उठवा लेता है, समझ गए। घर घर में पानी घुसा है उसको, तुमको दिमाग है उसको? अच्छा। उनको ज़्यादा से भी दिमाग है, नॉनसेंस है। नीतीश कुमार करवा के दारू बंद करवा दिए, गांजा अपना बाप बेटा पीने के लिए रख लिए, मतलब दिक्कत हो रही है ना पानी में। अब दिक्कत आप प्रसन्नित कीजिए, हम सब पूछे सवाल के जवाब दीजिए हमको। हाँ। हम आपका जवाब दे रहे हैं। इन्हीं सब का प्रशासन, प्रशासन क्या है, हमारे घर में पानी जा रही देखने जा रही है, बहुत समस्या है। और ये और कुछ लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कि जो समस्या है वो किस तरीके की है। आपने सुना कि समस्या जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये रास्ता हमने आपको दिखाया है, ये पाटलिपुत्र का ये रास्ता है जहाँ पर जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग जो है वो हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे रोहन हॉस्पिटल। समस्या कितनी है? पानी नहीं, गाड़ी लगता है बंद हो जा रहा है रास्ते में, पानी से गाड़ी बंद हो जा रहा है, गाड़ी बंद उलट जा रहा है। अच्छा, तो ये आप सुन सकते हैं कि पानी जो इतनी ज्यादा है जिस कारण से जो है परेशानी यहाँ पर स्थानीय लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पाटलिपुत्र की और जो लोग हैं यहाँ पर वो किस तरीके से अपना रास्ता जो है वो तय कर रहे हैं और जो लोग हैं उनसे भी हमने बात की है कि आखिर जो समस्याएं हैं वो जो है लगातार समस्या निकासी की समस्या है। निकासी निकल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, हमारे घर घर में पानी पड़ा हुआ है सर, हमको निकलने के मौका नहीं मिल रहा है, घर में सांप गुच्छर बिच्छू सब निकल जा रहा है। ठीक है, आप पूजा 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 करने के लिए गए थे, समस्या हो रही है? हम सामान लेने गए थे पूजा का और हम लोगों को घर से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, नाले के पानी भी रोड पे आ गए हैं पूरे और पूरे के पूरे मंदिर यहाँ पे खत्म छाई हुई है। अच्छा, तो आप समस्याओं को सुन सकते हैं कि जो आम जनता है वो किस तरीके से त्रस्त है। यहाँ पर गाड़ी भी जो है वो खराब हो जा रही है पानी से लगातार। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव सिटीज, आपको जब से बरसात जो ये चालू हुई उसके बाद से हमने आपको दिखाया है कि तमाम जो जगह है वो किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। इधर की तस्वीर देख ली, पाटलिपुत्र थाना हमने दिखाया, हम लोगों की समस्याएं क्या है वो भी हमने आपको बताई है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।